ये संदेश दिया है सभी लोगों को, पूरे देश को एक रखना चाहते हैं, तहजीब को कायम करना चाहते हैं, जो देश की प्रगति चाहते हैं, जो केवल जुमलेबाजी करते हैं, किसानों, नौजवानों, जो आम नागरिक है देश के, राज्य के, उनके और कोई काम ना करते हुए उन पे बोझ डालती है, चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी की, या जितने वादे केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे जो पूर्ण नहीं किए, चाहे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार का स्पेशल पैकेज हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय को सचिव यूनिवर्सिटी देने का दर्जा हो, हर एक सेंट्रल स्कीम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया, वो तो सारी बातें आज सदन में हुई है। हम ये कहना चाहते हैं जो संदेश आज बिहार विधानसभा से देश के विपक्ष को गिर गया है, जो अमन चैन चाहते हैं, उन सबको एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास पैदा हुआ है, और ये संदेश साथ है कि जो करेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लिए, ये हमारी पुरखों की विरासत हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये साबित हो है असल में 2024 का, जो 40 एनडीए के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 का 40 हम जीते। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, और कुछ गोदी मीडिया एक सुबह से एक न्यूज चलाया जा रहा था, और बीजेपी और आरएसएस और तमाम इनके जमाई द्वारा एक भ्रम लोगों के मन में पैदा किया जा रहा था कि कई जो ट्रस्ट वोट है उसको प्रभावित करो, और कहीं ना कहीं से तेजस्वी के इमेज को, आरजेडी के परसेप्शन को बर्बाद करो। एक कंपनी का नाम लिया जा रहा था, जो कंपनी साफ तौर पे हमने उसका नाम लिया है अर्बन क्यूब्स मॉल है, और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है, हमने पता करवाया ये कि भाई ना मेरा लेना देना, ये कहां से कौन लिया, मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे, तो भाई हम पता कि भाई क्या है, तो पूरा कागज हम लेके आए, मंगवाए।